हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका भाई सागर लोमोट। तो गाइस, बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। सभी मेरे भाई कह रहे थे भाई सागर आजकल वीडियो नहीं बना रहे। तो गाइस, फिर से बैक टू बैक वीडियो दूंगा आपको। और भाई, आपको पता है जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। गर्मी में मम्मी पूरे महीने मंदिर में जाएगी, पूजा करेगी, देवस्थान में जाएगी। तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, बने रहना सारे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले फर्स्ट देवता, हमारे जो फर्स्ट देवता जो पहाड़ों पे है भाई, दिखाऊंगा अपने अपने सारे देवता कहाँ कहाँ हैं हमारे। तो गाइस देखो भाई, बहुत सारे देवता भाई हमारे भगवान इतने सारे बना रखे हैं। आप खुद क्या होगा भाई सागर, कितना टाइम लग गया आपको? देखो भाई, ये भाई देखो, इधर भोले बाबा की को बना रखे। राम राम भाई। और भाई बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है। तो गाइस देखो, पहले देवता पे मम्मी अभी बाबा पे प्रसाद चढ़ा रही है। ये हमारे फर्स्ट देवता है पहाड़ों पे। यहाँ पर भाई चारों हमारे देवता बन रहे हैं। गाइस ये पूरा पहाड़ी एरिया भाई, पूरे पहाड़ एरिया है। आप यहाँ देखोगे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़े, पहले पहाड़े पूरे देखो। आज यहाँ पर पहाड़ी कम पड़ गए, पूरे पूरा जंगलों में बन रहा है भाई, पूरा जंगलों में एरिया। देखो भाई, पहले इस साइड पहुँचने में इतना डर लगता था, आज तो पब्लिक ने प्लॉट काट काट के भाई पूरा पहाड़ी काट गिरा भाई। अब तो ऐसा लगता है कि ये तो घरों के पास ही है। देख रहे होंगे भाई आप, देखो। तो गाइस, पूरे ब्लॉक पे बने रहना। आप भी देख रहे हो भाई, जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी कितनी भयंकर है, 44 डिग्री हो रहा है भाई सेल्सियम। आप खुद समझो भाई, इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। मुंह पे गर्मी लगती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा भाई घर में ही रहो। पर भाई मन में श्रद्धा है तो भाई भगवान का तो पास जाना है ही। और जेठ का महीना चल रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, पानी पियाओ, किसी को प्यासा मत रहने दो। छत पे बताई थी मैंने आपको, पानी जरूर रखो पक्षियों के लिए। तो गाइस, मम्मी ने फर्स्ट देवता पे भी अपनी पूजा कर ली है क्लियर। तो अब दूसरे पे जा रहे हैं। ये देखो भाई, हमारे सारे बाबा देवता महाराज। ये भाई, जिन भाइयों को पता नहीं है तो भाई, ये जैसे जो देसी लोगों को, तो भाई हमारे गाँव के लोगों को तो पता भाई क्या होते हैं, जो बाहर के लोग उनको नहीं पता भाई। मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो पूर्वज होते हैं, जैसे कोई मर जाते हैं तो कोई कहता है कि मेरा उधर देवता बनाओ, तो इनके लिए बनाए जाते हैं भाई ये। देखिए तो भाई, वो देखो ये दूसरा है हमारे, अब दूसरे देवता पा गए हम पहाड़ों पे भाई। कम से कम 3-4 जगह बना रखे हैं। आपको सारे देवता दिखाएंगे हम अपने। एक तो मैंने आपको आगे दिखाए थे पहाड़ी पे, आपको दिख रहे हैं झूम करके। और सेकंड ईयर है भाई हमारे। अब मैं भोले बाबा की दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बना रखे हैं भोले बाबा हमारे। चलो मम्मी, एक मिनट ये हमारे भोले बाबा, काफी अच्छा लगता है भाई यहाँ के। मम्मी भाई हमारे में परंपरा है अपने बुजुर्ग से बड़ों से पैर लेने की। नहीं भाई, होना भी चाहिए ये बजरंग बली। तो भाई जैसे देखिए, देख रहे हैं हमने बाबा की पूजा कर ली है देवता महाराज की। अब चलते हैं बाबा मंगलदास पे हमारे, अब दूसरे भवन पे दिखाएंगे आपको जो हमारे पितृ देवता सारे। तो भाई पूरे ब्लॉक पे बने रहना। तो भाई जी, हमारे सबसे प्रसिद्ध बाबा मंगलदास का मंदिर है आयनगर के। काफ़ी चमत्कारी काम हुए भाई यहाँ पर, मतलब काफ़ी माने जाने हैं भाई इनके चरणों में। भाई जो भी भाई आया है, कभी उनकी ऐसा कोई नहीं है भाई जिनका काम नहीं हुआ। जो बाबा ने जिनसे बाबा की पूजा करी है, बाबा ने उनकी सबकी मनोकामना पूरी करी है। आपको बताते हैं कि बुजुर्ग लोग हमारे दादा दादी हर कि पहले यहाँ ही रहते थे, तो भाई ने समाधि यहाँ ही ले ली। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भाई इनकी पूजा करने से। जो सच्चे दिल से आता है भाई, उनकी कभी भी ऐसा नहीं कोई खाली हाथ गया है ऐसे।
ये राधा कृष्ण जी की जोड़ी आप देख रहे होंगे। अरे भगवान को भूलो मत, बहुत से आजकल की जनरेशन भाई पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दे रही, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है जो बंदा आ नहीं पा रहे मंदिर पर, भाई एक टाइम तो अपने बाबा को आके दर्शन करे करो भाई, मतलब भगवान के दर्शन करे करो एक टाइम आके। आप ही ने भूल जाएंगे तो भाई फिर वो आपको कैसे याद करेंगे, बुरे टाइम पर आप भूलते हैं। ये धोने वाले बाबा यहाँ पर भाई उपला चढ़ाए जाते हैं, ये हमारे बजरंगबली बजरंगबली बाबा। मम्मी कल जल्दी 9:30 होने वाले भगत है, अभी हमारे बाबा ये भगत है जो बाबा मंगलदास बाबा की सेवा कर रहे हैं, झाड़े वाड़े सब ये लगाते हैं इस टाइम। मम्मी अब उपला चढ़ा रहे धोने लगा के, पूरे महीने मम्मी भी यही करे उपला चढ़ाएगी बस सारे दे जितने। तो अभी हमने बाबा मंगलदास की पूजा कर ली है, अब हम लटूरिया बाबा पे जा रहे हैं, अपने तो दूसरे देवता लटूरिया बाबा। ये बाबा मंगलदास महाराज हमारे, तो गाइस अभी हम लटूरिया बाबा पे जाएंगे, आपको लटूरिया बाबा का मंदिर दिखाएंगे कहाँ पर है हमारे का, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, देख लो भाई ये हमारे बाबा मंगलदास का मंदिर पूरा पीछे तक है भाई पूरे बड़े में बना रखा है। हमारे सम्राट वीर भोज की मूर्ति है जो अभी यहाँ स्थापना करी गई थी इसकी, सम्राट वीर भोज जी ये हमारे पूर्वज है भाई, सम्राट वीर भोज काफ़ी प्रसिद्ध थे भाई, जिन्हें अंग्रेजों से खूब लड़ाई लड़ी थी। अब तो भाई बस स्टैंड पर रोड बन गया अभी यार, बढ़िया वो कर दिया। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बाबा लटूरिया मंदिर पे, आपको दिखाएंगे बाबा लटूरिया मंदिर। ये बाबा लटूरिया महाराज के मंदिर है, जय बाबा की। मैं देख लीजिए पत्थर है कितनी खूबसूरती है, पेड़ पौधे हरे भरे पूरे चारों तरफ, इतनी गर्मी में देखो कितनी छाया आ रही है भाई, पेड़ पौधे लगाओ बहुत ही अच्छी बात है भाई, ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा छाया भी, ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। देखो भाई हमारे लटूरिया बाबा, ये हमारे दूसरे भगत भगत बाबा लटूरिया महाराज हमारे। मम्मी बाबा की पूजा कर रही है अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाबा मंगलदास और बाबा लटूरिया ये हमारे आई नगर में रहते थे, बताते जैसे कि भाई ये हमारे जो हमारे परदादार की बाबा यहीं रहते थे, तो बाबा ने यहीं समाधि ले ली थी। बाबा का मतलब बहुत चमत्कार करे थे जिनसे भाई सभी दूर दूर से लोग उनको मानने लगे थे, जो कहते थे बाबा हो जाता था। तो बाबा की धुना है जहाँ पर मम्मी उपला लेने जा रही है, धुना चढ़ाएगी जैसे बाबा मंगलदास पे चढ़ाए थे, ये मम्मी उपला लेकर आ रही है, अब बाबा के धुने में रखेगी। भाई इतनी गर्मी है अभी, देखना भाई आगे आगे पूरे महीने आना है मम्मी को, तो एक दो दिन आ रहा हूँ मम्मी के साथ। और आज तो भगवान ने सुन रखा है भाई जो मौसम ठीक है थोड़ा सा। तो गाइस ये छोटे सैयद बाबा है, यहाँ साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, देखो मम्मी बाबा लटूरिया के पीछे भाई तो वो बना रखे कि बाबा सैयद महाराज की मूर्ति, अरे शेरा वाली माता हमारी, जय माता की, शेरा वाली माँ। भाई दिल से बताओ ना भाई, बहुत सुकून मिलता है जब अपने बाबन से आते हैं दर पे, उस टाइम भाई सारा काम काज भूल जाते हैं, ऐसा लगता है बस बाबा के पास बैठे रहो। मंदिर बना रखा इधर, ये देखो भाई काफ़ी अच्छा बना दिया पहले से, यहाँ पर भाई पहले ऐसे ही था, सफाई बिल्कुल नहीं रहती थी, अब देखो कितना बढ़िया तरह से बनाते हैं, पत्थर पत्थर लगा के बिल्कुल ऊपर लेंटर डाल के सुविधा पूरी अच्छी तरह कर दी, पहले भगवान हमारे ऐसे ही रहते थे।
काम हुआ भाई, आप अच्छा काम कराया, बहुत बढ़िया। इस चीज़ के लिए भी तुम्हारा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया काम करके थे। इस काम के लिए भाई वेदपाल के लिए दिल से सलूट है कि भाई ने अच्छा काम करा यहाँ पर, जो भगवान के बारे में सोचा कि भाई इनको भी अच्छी जगह बैठाया जाए, साफ़ सुथरी जगह में, ताकि भगत लोग जितने भी आए भक्त परेशान नहीं हो, क्योंकि वहाँ पत्थर पत्थर ऐसे पड़े जाते थे, पैरों में चुभते थे। एक भाई सारे भगवान यहाँ पर, साईं बाबा, भोले बाबा की शिवलिंग, साईं बाबा हो गए, हमारे मोहन बाबा हो गए, हनुमान जी, शनिदेव महाराज। देखो भाई लाइन से देखो, जैसा कि आप देख रहे हो बाहर कितनी भयंकर गर्मी है, देखने से पता चल रहा होगा भाई, भाई पैर फूक रहा है बिल्कुल, पैर रखते धरती पे। देखो भाई बहुत गर्म है यार, तो समझो भाई बाहर कितनी गर्मी होगी। तो भाई एक ही चीज़ यही कहना चाह रहा हूँ भाई, सब भाई अपने दिल से एक टाइम अपने भगवान को जरूर मान लेंगे। तो आज की भूमाया ऐसी बढ़ गई है लोगों को पैसा की, बंदे सभी अपने भगवान को भूलते जा रहे हैं भाई, सब अपने काम धंधे में ऐसे बिजी हो गए हैं कि किसी को कोई वो नहीं है कि भाई हमारे भगवान भी है यार। थोड़ा भाई करो, इस चीज़ पे ध्यान दो। मम्मी की मिल रहा है गर्मी में, ये भाई बस स्टैंड है, ये पूरा बस स्टैंड है, देख रहे होंगे आप, बस नज़र ही नहीं आ रही भाई, एक एक दो दो घंटा तक यहाँ बस ही नहीं आती, पब्लिक देखो कितने घंटा से यहाँ परेशान खड़ी रहती है भाई। कैसा बस स्टैंड है जहाँ बस ही नहीं हो, देखना कितनी आबादी है, पब्लिक कैसे परेशान खड़ी है सारी, गलत है भाई। बड़े पितृ देवता हमारे यहाँ पर है, खेड़ा देवता महाराज, दिखाऊंगा आपको भाई कहाँ बना रखा, देखो कितनी पतली पतली गलियों में, ये खेड़ा देवता महाराज हमारे सबसे बड़े पितृ देवता बताते हैं खेड़ा देवता को। तो भाई बैटरी बिल्कुल फ़ोन में ख़त्म होने वाली है, बैटरी ख़त्म होने वाली है, ये हमारे खेड़ा देवता महाराज। देखो भाई यहाँ पर मकान भाई ये लगा लो, पहाड़ों के पत्थरों के बने हुए हैं, देखो आपको दिखाऊंगा आपको। देखो भाई पहाड़ों के पत्थरों से भाई मकान बने हुए, देख रहे हो भाई, अब भी देखो इतनी अच्छी अच्छी गाय कहीं मिलेगी, सफ़ेद सफ़ेद पूरी गांवों में भाई, अब भी ये दृश्य मिल जाएगा आपको, शहर है वैसे ही पूरा, फिर भी देखो यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। देखो मकान कैसे बना रखे भाई, दरवाजे देखो डिजाइन कितना बढ़िया, थोड़े से करवाएंगे। तो भाई जब हम गांव में आ गए, हमारे पुराने घर यहाँ ही है, आपको दिखाते हैं हमारे पुराने घर। भाई देख रहे हो हवेली, पहले कभी कितनी सुंदर थी, मतलब लगा लो सबसे अच्छी लगती थी पूरे गांव में। आज देख लो भाई यहाँ पर उपला पत्रे है, कितनी बुरी हालत हो गई भाई यहाँ पर। ये भाई हमारे पुराने घर है, सारे प्लॉट है हमारे पुराने घर, ये यहाँ पहले रहते थे, झाड़ों के मकान भाई, कमरे वो बन रहे, कमरे दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखो भाई देखने से पता चल रहा है, मम्मी ऊपर हमारे एक देवता बना रखे हैं, मम्मी ऊपर गई है अभी पूजा करने, कोठे वाले देवता बोलते हैं इनको। ये देखो भाई कितना बढ़िया नज़ारा है, ये हमारे बाबा। अरे ठीक हो देवतान पर, जेठ का महीना चल गया अब तो, जेठ के महीने स्टार्ट होगा ना, पूरे महीने आएंगे। अरे मम्मी किस लिए आ, पूजा करने? जैसे कि देख रहे होंगे आप, ये हमारे बाबा का हुक्का है, इसे कभी नहीं छोड़ते बाबा। अरे देखो भाई मकान यहाँ पर कैसे बन रहे हैं, ये भाई मकान पहले बहुत मुश्किल से बनाने, पहाड़ों के पत्थरों से भाई, पूरी फैमिली पहले यहाँ ही रहती थी, ये पुरानी यादें हमारी बाबा। ये देखो भाई हमारे बाबा आर्मी से रिटायर थे, AOC से, सुबेदार मामचंद भाई, नाम ही बहुत बड़ा है सुबेदार मामचंद, इसके लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप भी जानते हो भाई, क्लर्क से रिटायर थे, AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। हमारे बाबा ने 65 की और 71 की लड़ाई भी लड़ी है, ये सच्चे देशभक्त थे, अब भी ईमानदार है भाई, सारे जानते हैं उस तो गांव में इनको, कितना ईमानदार है बेचारे। ये देखो पुराने जमाने की टीवी भाई, अब मिलेंगे नहीं, सब LCD वगैरह से काम चला रहे हैं। ओ बाबा की स्क्रीन टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, अच्छा फोन में लग रही है भाई। फाइनली हम घर पहुंच गए अब, तो भाई गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। ये देखो गाय माता के दर्शन घर में घुसने से पहले हो गए, तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए,
तो भाई वीडियो को पूरी देखे करो भाई, लाइक करे करो भाई, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो, वीडियो को फैलाओ आगे तक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस भाई आपका प्यार बना रहे, तो ऐसी वीडियो मिलती रहेगी आपको। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, तो